वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड फाइव स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर माजिद। और मैथमेटिक्स हम लोग कर रहे हैं, चैप्टर नंबर वन हमने शुरू कर लिया हुआ है और वो है नंबर्स। ये वीक थ्री है और वीक थ्री का आपका फर्स्ट लेक्चर होने जा रहा है। अच्छा बेटे, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको सेवन डिजिट्स, एट डिजिट्स और नाइन डिजिट्स के बारे में बताया था। फिर मैंने बताया कि 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन तक। क्वेश्चंस को कैसे हम लोग करते हैं ये तरीका हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। मैं एक एक लाइन पिछले लेक्चर के अंदर से लिख लूँ, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस जोन जो है उसको करते हैं। मसलन हमने 8 डिजिट्स में क्वेश्चन एक पढ़ा और उसके अंदर हमने बोला कि जो 10 मिलियन है उसके अंदर 8 डिजिट्स होते हैं। इस तरह से 1 मिलियन के अंदर 7 डिजिट्स होते हैं, इसमें 8 होते हैं। और अगर आपका 100 मिलियन हो जाए तो उसमें 9 डिजिट्स होते हैं। 100 मिलियन की एग्जांपल हमने की थी कि हमारे पास अमाउंट थे 195,397,824। ये आप काउंट कर सकते हैं, 3, 6 एंड 3, 9। जब 9 होते हैं तो दैट इज इन केस ऑफ 100 मिलियन। ओके, ये 195 मिलियन से शुरू हो रहा है, इसको हम क्या लिखते हैं, 195 मिलियन। अगर टेंस में फिगर होता है, जैसे सिर्फ 19 होता तो उसको हम लिखते 19 मिलियन। अगर सिंगल डिजिट में होता, जैसे 6 है, तो फिर हम लिखते 6 मिलियन। और जो आगे की डिजिट्स हैं उनको पढ़ने का तरीकाकार सेम है, जैसे 397,824। लेकिन यहाँ पर कभी 1 मिलियन होगा, कभी 19 मिलियन होगा, कभी 195 मिलियन होगा। तो वो पहले मिलियंस की जो अमाउंट है उनको इस तरह से आप लोगों ने लिखना है। अब मैं करने जा रहा हूँ प्रैक्टिस जोन, जिसमें इसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। राइट द नंबर इन वर्ड्स, राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, पेज नंबर बेटे 9, वहां से हम क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। उसके 4 पार्ट है हमारे पास। पार्ट ए है 59,462,000, फिर 007 लिखा हुआ। जब 100 में और टेंस में कोई डिजिट गिवन नहीं है तो हम डायरेक्टली कैसे पढ़ेंगे इसको, 462,007। सेकेंड अमाउंट हमारे पास गिवन है पार्ट बी में 28,792,123। और पार्ट सी में अमाउंट है हमारे पास 705 मिलियन, यानी अब 9 डिजिट्स पे आ गया क्योंकि 100 से ज़्यादा हो चुके हैं। 705,496,438, ये आ गया। और पार्ट डी है आपका 83,476,120। अब देखिए, मैंने लिखे तो डिजिट्स हैं लेकिन साथ ही साथ उसको वर्ड्स में कैसे लिखना है मैंने वो भी बोल दिया। तो इनमें से पार्ट ए और पार्ट सी मैं करने जा रहा हूँ और बाकी मैं सिर्फ बोल देता हूँ और आप लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये क्या है जी, 59 मिलियन, तो हम कैसे लिखेंगे, 59 मिलियन, देन 462
थाउजेंड। एंड सेवन, क्योंकि बीच में ज़ीरोज़ हैं इसलिए ज़ीरोज़ को ना हंड्रेड प्लेस पे बोला जाएगा ना टेंथ प्लेस पे बोला जाएगा। इट्स 59,462,007। अगर मैं इसको बोलूँ तो कैसे बोलूँगा, 28,792,123। आगे आप इसको खुद लिखेंगे। फिर 705, सेवन हंड्रेड एंड फाइव मिलियन। उसके बाद क्या है, 496,000, फोर हंड्रेड नाइन्टी सिक्स थाउजेंड। फिर उसके बाद एंड 438। आल्दो ये लंबा है ज़रा, लेकिन आपको इस तरह से इस चीज़ को सीखना है। पार्ट डी कैसे पढ़ोगे, 83,476,120। अब आपने इसको भी बीच में फिल करना है और इसको भी बीच में फिल करना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन। ओके, क्वेश्चन नंबर टू आ जाता है बेटे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर टू में वो कहते हैं राइट द नंबर्स इन फिगर्स, राइट द नंबर्स इन फिगर्स, यानी वर्ड्स में लिखे हुए क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं और उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इस तरह से डिजिट्स के अंदर, फिगर्स के अंदर। तो उसके पांच पार्ट हमें गिवन है। पार्ट ए है 27 मिलियन, तो 27 आप लिखें। देन 352,000, 352 ये थाउजेंड्स में आ गया। 660, फिर उसके बाद 660 आ गया। आई रिपीट, यहाँ पे लिखा हुआ है 27,352,660, फिर उसके बाद पार्ट बी है, उसमें वो हमें कहता है 689 मिलियन, यानी नाइन में, नाइन डिजिट्स में जा रहा है, 689,413,000। और उसके बाद वो कहता है 541, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। उसकी अगली अमाउंट है सी पार्ट में 1,054,000। नेक्स्ट, बीच में यकीनन ज़ीरो है, नहीं तो वो इसको कैसे बोलता, 1,054,000। अब बीच में एक फिगर नहीं है, 54,000 है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ ताकि अगला देख ले, फिर कंप्लीट कर लेते हैं उसको। नेक्स्ट वो कहता है 895, ज़रा 1,000,000 में आ जाए। कितने फिगर्स में आपके होने चाहिए डिजिट्स, 7, काउंट करें 3 and 2 5 and 1 6। जब उसने 54,000 बोला तो इसका मतलब साथ में क्या है, ज़ीरो है, साथ में ज़ीरो है। अब 1,054,000 और उसके बाद 895 आ रहा है। उसके बाद पार्ट डी गिवन है हमें 2,000,000, दैट्स 351,000,
895, 2,351,895 कंप्लीट हो गया। और लास्ट पार्ट ये है आपका 61 million, 61 आपका किस में आ रहा है, 10 मिलियंस में आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर फिगर में 8 डिजिट्स होने चाहिए। 61,902,977। अब सिर्फ 77 बोल रहा है, इसका मतलब 100 प्लेस को वो नहीं बोल रहा, तो उसकी जगह पे क्या होगा, 0 होगा, और आगे हम 77 को लिख लेंगे। आई रिपीट, 61,902,902 हो गया। फिर उसके बाद कहता है एंड 77 100 फिगर लिखे बगैर तो पूरा नहीं होगा ना, इसका मतलब 100 प्लेस पर क्या है आपका, 0 है। तो ये हमारा प्रैक्टिस जोन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मैं थोड़ा सा दोबारा गाइड करता जाऊँ, जब भी 1 million, 2 million, 3 million, अप टू 9 million तक बोला जाएगा तो आपके डिजिट्स की तादाद कितनी होगी बेटे, 7 होगी। जब आप 10 millions में बोल रहे होंगे, जैसे 10 million, 19 million, 29 million, 85 million, तो उसमें आपके डिजिट्स की तादाद होगी 8। लेकिन जब आप 100 millions में आ जाएंगे, जैसे 102 million, 200 million, 300 million, तो फिर आपके जो डिजिट्स हैं, फिगर्स जो हैं, वो 9 तक चले जाएंगे, उनकी तादाद 9 होगी। आई होप सो यू पीपल हैव क्लियर योर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में सुबह इससे आगे हम लोग चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।